लाइक सब्सक्राइब एंड ऑन द नोटिफिकेशन बेल। तो फ्रेंड्स लाइव है हम वेस्ट इंडीज उस साउथ अफ्रीका की थर्ड T20 मैच के हाईलाइट्स लेकर। सिर्फ दो मिनट में आपको फटाफट से जो भी घटा है थर्ड T20 मैच में आपको बता देता हूँ। तो देखिए हर बार की तरह इस बार भी वेस्ट इंडीज जो है टॉस जीता पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो कंपटीशन आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि वेस्ट इंडीज बैट्समैन वर्सेस साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स है उनके बीच में होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है अकेले क्विंटन डीकॉक और डेविड मिलर को छोड़कर कोई भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा, स्पेशली T20 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्विंटन डीकॉक 72 रन की पारी खेली, हालांकि टेम्पा बाउमा जो है साउथ अफ्रीका के कैप्टन है, लेकिन हर बार क्विंटन डीकॉक ही फ्रंट में आकर डिफेंड करते हैं साउथ अफ्रीका को। तो स्कोर कार्ड आपको मैं बता दूं, क्विंटन डीकॉक ने 72 रन की पारी खेली, हालांकि एडम मैक्रम 23, वांडरसन जो है 32 रन की पारी खेली। जो ओवरऑल अगर आप जोड़ लें तो साउथ अफ्रीका ने 167 का जो है वो टारगेट जो है वेस्ट इंडीज को थी, काफ़ी ना था जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप है। लेकिन सेकेंड T20 में जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ को डिफेंड किया था, यानी जो टारगेट था सेकेंड T20 में डिफेंड किया था, इसी तरीके से थर्ड T20 में भी साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं स्पेशली एंड्रिक नॉर के, अकागिसो रबाडा, तबरेज़ शम्सी जो है मैन ऑफ द मैच रहे इस मैच के, तबरेज़ शम्सी ने भी बढ़िया से बॉलिंग की, स्पेशली T20 थर्ड T20 की मैं बात करूं। तो एक रन से जो है साउथ अफ्रीका थर्ड T20 मैच को अपने नाम कर लिया है। तो 2-1 जो है सीरीज जो है अब आगे चल रही है, लेकिन मुझे लगता है जो 19th ओवर एंड्रिक नॉर्केया ने कराया था वो जो है गेम चेंजिंग ओवर था। उसमें सिर्फ एंड्रिक नॉर्केया ने 4 रन दिए थे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।